मामा आप ही पागल हुई हैं अपने भाई के पीछे। भाईजान ये भाईजान वो कहते कहते आपका मुंह नहीं थकता मामा। आपने हमेशा उनकी कितनी फिक्र की है, हमेशा उनके आगे पीछे घूमती रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या सिला दिया इस सबका। एक गैर लड़की के लिए उन्होंने आपकी इंसल्ट की है। अलीजे प्लीज खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। मामा इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप मुझे चुप करवा रही हैं। उन्होंने आपको रमशा से कंपेयर किया है। इससे ज्यादा मजीद हमारी क्या इंसल्ट होगी। हाँ मुझे यकीन नहीं आ रहा है लीजिए कि भाईजान ने मुझे कंपेयर किया है, वो भी रमशा के साथ। जिस लहजे में उन्होंने मुझसे बात की है ना, ऐसे उन्होंने कभी भी मुझसे बात नहीं की लीजिए। ये वही भाईजान है जो मुझ पे जान छिड़कते थे, इसीलिए तो इतने दिन से परेशान हूं। खैर छोड़े आप मत हूं परेशान इतना। कैसी बातें कर रही, कैसे परेशान ना हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा दिन भी देखूंगी इस घर में। तुम्हें पता है इस लड़की ने ना, रमशा ने सब कुछ बदल दिया है। भाईजान को भी बदल दिया। भाईजान अब वैसे नहीं रहे।